मई का महीना, रात के लगभग 9 बज रहे थे। मैं इंतज़ार कर रहा था अपने दोस्त का कि वो रात में लौटेगा तो मैं अपने बागीचे से वापस घर जाऊंगा, क्योंकि आम का महीना था और ग्रामीण क्षेत्र में आम तौर पे आम एक बहुत मुख्य फसल है। किसानों को, लोगों को इसका बहुत इंतज़ार रहता है और अगर आप इसका अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो आसानी से ये चोरी हो जाता है। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा था मित्र का कि वो आएगा तो रात में वो रुकेगा, बाकी मैं अपने घर जाऊँगा। तभी अचानक मुझे चीख की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं दौड़ता हूँ उस आवाज़ की तरफ, किधर से आई। डर तो मुझे भी लगा क्योंकि उस समय कोई चांदनी रात नहीं थी, अंधेरा पूरा छाया हुआ था। मैं जब दौड़ के आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि बाबा के यहाँ कुछ महिलाएं पहुँची हुई हैं और एक महिला के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग चल रहा है, झाड़ फूँक चल रहा है। पता चला कि मेरे ही गाछी में, यानी मेरे ही उस आम के बागीचे में उस महिला ने भूत देखा और उसी समय से इसका बुरा हाल हो गया। लोगों का कहना था कि भूत उसके ऊपर सवार हो चुका था। बाबा ने लगभग आधे घंटे तक उसे झाड़ फूँक किया, उसके बाद कहा कि अब आप घर जा सकते हो, भूत तो भयंकर था। कुछ समय बीत जाने के बाद मैंने पता किया, भाई आप गाछी में देखे क्या जो आपको लगा कि वो भूत था? उन्होंने बताया कि बउआ तुम्हारे गाछी में मैंने देखा एक आधा धड़ वाला इंसान, यानी कि उसका आधा धड़ ऊपर था, नीचे कुछ नहीं था। वो देख के ही मेरी छोटी बहू जो थी उसके ऊपर ये सवार हो गया और देख ही रहे थे उसके बाद क्या बुरा हाल हुआ। मैंने सोचा कि मेरे बागीचे में आधा धड़ वाला इंसान और मैं तो वहीं मौजूद था, मैं कैसे बच गया? मैं अपने आप को बहुत ही लक्की महसूस कर रहा था कि मैं बच गया। लेकिन फिर मैंने ध्यान लगाया, सोचा तो पता चला कि भाई मैं अपने बागीचे में उस दिन एक सफ़ेद कलर का, जैसा अभी आप देख रहे हो, ऐसा ही हाफ शर्ट पहन के घूम रहा था और नीचे मरून कलर का एक पैंट था जो कि दिख नहीं रहा था। संभवतः उन्होंने मुझे ही देख के भूत तो नहीं समझ लिया, और कमाल का बात था भूत उनके ऊपर सवार भी हो चुका था। मुझे जोर की हंसी आई कि देखिए यहाँ लोग किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, ये तो देखिए उन्होंने मुझे ही देखा और मुझे ही भूत बना डाला। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आपने कभी भूत को सामने से जाके देखा है कि वो सच में भूत है या कोई और? नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार गिरी, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल में जरा सोचो ऐसा क्यों। और आज मैं आपको बताने वाला हूं समाज में फैले कुछ ऐसे रूढ़िवाद और अंधविश्वास जो सामान्य रूप से हर इंसान उसको फॉलो करते हैं और ये नहीं जानते इसके पीछे की लॉजिक क्या है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए, विज्ञान और अंधविश्वास भाग 3, साइंस एंड सुपरस्टिशन पार्ट 3। तो आज का पहला मान्यता ये है कि कांच का टूटना, यानी कि आईने का टूटना अशुभ क्यों होता है। तो पुराने ज़माने में आईना बहुत महंगा आया करता था और बहुत ही नाजुक हुआ करता था, आज के जैसा आईना मजबूत नहीं हुआ करता। आज पहले के मुकाबले में आजकल का आईना थोड़ा मजबूत है, मैंने तो महसूस किया है, आपको कैसा लगता है ज़रूर बताएं। तो महंगा होता था आईना और टूटने पे बार बार, उस समय जानते हैं रिसोर्स ज़्यादा नहीं था, उस समय कमाई बहुत सीमित थी, तो बार बार आईना कौन लाता। तो इसके पीछे ये धारणा दी गई, लोगों ने आपस में एक बात प्रचलित कर दिया कि भाई कांच का टूटना अशुभ होता है, इसीलिए कांच को ना तोड़ो, तोड़ोगे तो घर में ऐसा बहुत उल्टा पुल्टा फलाना थिलाना कुछ हो सकता है, समझ गए। आज का अगला मान्यता कि श्राद्ध कर्म के दौरान, यानी कि जिसके घर में श्राद्ध कर्म कोई अपना गुजर चुका है तो उसके बीच में, यानी श्राद्ध कर्म जब तक हो तब तक कोई खाना नहीं बनाएगा, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या लॉजिक होगा? ये सामान्य बात है, आप भी समझ सकते हैं कि जिसके घर में कोई अपना गुजरता है उसके ऊपर क्या बीत रही होती है। उस समय उसको खाना पीना कुछ पसंद नहीं होता, वो किसी काम में उसका मन नहीं लगता है। तो समाज में ये बात बनाई गई, एक व्यवस्था बनाई गई कि उस समय उतने दिन तक वो खाना उना ना बना के उस लोग के लिए, वो जाने वाले अपने के लिए थोड़ा मौन करेगा, पीस ऑफ माइंड में रहेगा और इसी बीच में अगल बगल के जो उसके अपने लोग होंगे या आस पड़ोस के पड़ोसी होंगे उसके लिए खाना बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली मान्यता पे कि कभी भी शादी विवाह हो या किसी को जब उपहार देते हैं, मौद्रिक उपहार यानी कि रुपए के रूप में, तो उसमें 1 रुपए का सिक्का जोड़ देते हैं, या हम ये आमतौर पर देखेंगे कि लिफाफे में भी 1 रुपए का सिक्का ऑटोमेटिक जुड़ा आता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि जो एक नया परिवार शुरू कर रहा होता है या फिर किसी घर में उत्सव हो रहा है तो एक नई शुरुआत किसी न किसी मामला में कर रहा होता है, तो उसको अगर हम ऐसा नंबर दे दें जो डिवाइड हो जाए या फिर जिसके अंत में शून्य हो, जैसे 500 या 1000, तो वो शून्य जो है अंत का प्रतीक माना जाता है, यानी कि समाप्त। और कोई आदमी जिंदगी शुरुआत कर रहा है उसी समय समाप्त, तो उसको समाप्त के जो ये सिंबलाइजेशन है इसको खत्म करने के लिए उसके आगे 1 जोड़ दिया गया ताकि ये ऑड हो गया और ये डिवाइड नहीं होगा। और डिवाइड नहीं होने का मतलब है कुछ शेष बच जाना, यानी जिंदगी में आपके पास बहुत कुछ शेष है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले मान्यता की तरफ कि घर को गाय के गोबर से लीपते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये बहुत शुभ होता है। सबसे बड़ी बात है
कि गाय के गोबर से लीपने पोतने से शुभ हो अशुभ हो इसका तो कोई पता नहीं, लेकिन गाय के गोबर के बदबू से बहुत सारे कीड़े मकोड़े जैसे कि मिर्च और नींबू के लगाने से बहुत सारे कीड़े मकोड़े घर से भागे हुए रहते हैं और घर इनडायरेक्टली थोड़ा पवित्र हो जाता है कीड़े मकोड़े से, तो इस कारण से गोबर से उसको लिपा जाता है। अगली मान्यता बहुत प्रचलित है खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, किसी विशेष गाँव का नाम मत लो सुबह में, बंदर का नाम मत लो, शाम के समय सांप का नाम नहीं लो। ये सब क्या है भाई? ये सब एक प्रकार का डर है। किसी व्यक्ति के साथ संयोगवश कुछ ऐसा घटना हुआ जो उस गांव से रिलेटेड था, शाम में सांप के नाम को लेने के कारण हुआ या सुबह में बंदर के नाम को लेने के कारण हुआ, और वो हमारे बुजुर्ग या पूर्वज होंगे, तो उनके नीचे आने वाले सभी लोगों को ये बात कान में डाल दिया गया कि बेटा ऐसा होता है, और ऐसा करके कोई रिस्क क्यों ले, कहीं कुछ हो ही गया तो फिर क्या करेंगे। जैसे कि हमारे घर में एक मान्यता था कि मंगलवार नहीं करना है, मंगलवार हमें नहीं धारता। बहुत लोग ये भी कहते हैं हमें लोहा नहीं धारता, कि मैं गाड़ी लेता हूँ घोड़ा लेता हूँ बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, मंगलवार करते हैं हमारे घर में कुछ अशुभ हो जाता है। मैंने तो किया, मैं जब नया नियुक्ति हुआ था शिक्षक के रूप में किसी दूसरे अपने गांव के बाहर कहीं दूसरे जगह पे, तो मैं विश्वास मानी वहां पे मैंने 6 महीने से ऊपर मंगलवार किया, आज तक तो अनिष्ट नहीं हुआ, ये तो लगभग 10 साल पहले की बात है। तो ये सब फालतू की बातें हैं, एक डर का खेल है, और जहाँ डर और जहाँ अज्ञानता है वहीं पर अंधविश्वास है। तो बेहतर है डर को ख़त्म करें, अंधविश्वास को हटाएं, थोड़ा समझदार बने और कोई भी चीज़ को पहले सोचें कि हम क्यों कर रहे हैं, बस ये नहीं कि कोई कहा और हम उसको मान लें। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि और किस तरह का वीडियो आपको इसमें चाहिए इसी टॉपिक पे, और किस तरह का मान्यता आप लोग के यहाँ प्रचलित है। सब्सक्राइब करें इसी तरह के अगली वीडियो को पाने के लिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ, और सभी आदमी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। जय हिंद, धन्यवाद।